ओम शांति। आज की तारीख है 10/3/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी है रूहानी याद की यात्रा। तुम्हें शरीर की कोई तकलीफ नहीं देनी है। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि से बाप को याद करो। प्रश्न है, सदा खुशी किन बच्चों को रहती है? स्थाई खुशी न रहने का कारण क्या है? उत्तर है, जो पुरानी दुनिया पुराने शरीर से ममत्व तोड़ बाप और वर्षे को याद करते हैं, उन्हें ही स्थाई खुशी रहती है। जिनकी याद की यात्रा में माया के तूफान आते, अवस्था ठंडी हो जाती, उनकी खुशी स्थाई नहीं रहती। नंबर 2 पॉइंट है, जब तक भविष्य राजाई इन आँखों से नहीं देखते हैं, तब तक खुशी कायम नहीं रह सकती। गीत बजा है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। धारणा के लिए मुख्य धारणा के 2 बिंदु। नंबर 1, सतो प्रधान संन्यास से आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाना है। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से ममत्व तोड़ देना है। नंबर 2, त्रिकालदर्शी बन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उनको बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। नॉलेज को धारण कर स्थाई खुशी में रहना है। वरदान सतगुरु शिव पिता का, पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले बंधन मुक्त भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि इस पराये देश में जब सभी बंधन युक्त आत्मा बन जाती है, तब बाप आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दिलाकर बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते हैं और स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। तो अपने स्वदेश में चलने के लिए सब हिसाब किताब से समाप्ति का समाप्ति समारोह मनाओ। जब अभी ये समारोह मनाएंगे, तब अंत में संपूर्णता समारोह मना सकेंगे। बहुत काल के बंधन मुक्त ही बहुत काल के जीवन मुक्त पद को प्राप्त करते हैं। स्लोगन है, अपने उमंग उत्साह के सहयोग और मीठे बोल से कमजोर को शक्तिशाली बना देना ही शुभ चिंतक बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।